रंगों की वजह से मेरी चोर मचाई शोर हिट हो गई। अच्छा जी बंदे दिल रब दिला मुझे। तो हमारा रब्ता जिंदगी तक ही है ना, तो उस रब्ते को खराब क्यों करें? अरे बोलते रहो यार, कभी ऐसा ना हो एक दूसरे के पास खड़े हुए बोलने गया तू बोलता भी नहीं। बाबा भले शाह का कलाम है, प्यार मोहब्बत की बात की और दिल की बात की और दिल की डॉक्टर की वाइफ होने की हैसियत से इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। बाबा भले शाह फरमाते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना था मेला दुनिया फिर मिट्टी दी तेरी, मंदिर टा दे मस्जिद टा दे टा दे जो कुछ टेंदा, एक बंदे दा दिल ना टाना रब दिला मुझे। क्या बात है। जरूरतन उसने प्यार किया और मसलहतन मुझे छोड़ दिया, मैं सांसों में उसकी रहता था, उसने सांस भी लेना छोड़। अब ये है कि क्योंकि इन्होंने एक शेर सुनाया, शेर के जो है वो एक ये शेर जब आदमी मुझे कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान के दिमाग से लेके जाते हैं। उस्ताद कमर जलालवी की एक आखिरी, हम उनके घर में रहते थे किराएदार के, ऐसे तो उनकी एक ही बेटी है बस, उन्होंने करीब सातवां उनका नाम है, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो उनका इंतकाल हो रहा था तो उससे 20 मिनट पहले उन्होंने ये कहा था कि ये कथा नोट कर लो। तो कहीं मैंने लिखा, कथा क्या था कि रोएंगे देख कर वो बिस्तर की हर शिकन को, रोएंगे देख कर वो बिस्तर की हर शिकन को, वो हाल लिख चला हूँ करवट बदल बदल। और बाद मरने के हुआ दोस्तों पे भारी इस कदर, पहुंचा मेरा जनाजा कांधा बदल बदल। और अय्यूब खान के जमाने में उन्होंने बात की थी, उनकी एक नज़म बैन हुई थी रेडियो पाकिस्तान पे, ये ऐ मेरे दिल कहीं और चल, इस चमन में वो अपना गुजारा नहीं, बात होती तो बोलो तक तो सह लेते हम, तो कांटों पे भी हम हमार लें। अय्यूब खान ने तो उनकी नज़म बैन हो गई, वो भी रेडियो पाकिस्तान पे बैन हो गए, जब बैन हो गए तो एक मुशायरा हुआ, अय्यूब खान के अंदर एक थोड़ा सा साफ करना भी था, वो एक आर्टिस्टिक आदमी था, उसमें थी कुछ बात, उन्होंने उनको भी इनवाइट किया, उनको पता नहीं वो भी आए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ भी एक कथा पढ़ा, हमारा क्या है, क्योंकि हालात बुरे हो चुके थे, अब सदर के सामने पढ़ रहे हैं कि हमारा क्या है, हम तो किसी सर नकू सी डाली पे, हमारा क्या है, हम तो किसी सर नगू सी डाली पे रखे के चार दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना जलेगा अय्यूब खान ने रेडी से वो कहा कि इनका क्या मसला है, क्या सर आपने इनकी नजम बैन कर दी है रेडियो पाकिस्तान पे और इनका जरिया मुआश बंद हो गया, तो उन्होंने फिर उन्होंने घर का प्लॉट दिया और घर बनाने के पैसे भी दिए। ये होता है कि ये अशआर तो एक बड़ी हसीन चीज़ होते हैं, इंसान अगर इनसे पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं और क्या क्या चीज़ हो जाती हैं। और हम एक शेर मैं आपको, एक जुल्म की जो ये दुनिया है इस पर एक शाजी आपकी नज़र कर रहा हूँ, मतलब वो एक्सपोज करते हैं दुपट्टा जल रहा है जुल्म की, तो शाजी यार तुम कर्बला से लेके ये नज़म और गज़ल का स्टाइल नहीं है, ये मुजरे का स्टाइल है देखो, और ये गुर्बत का स्टाइल है, उमर साहब ये फिरौनियत है, बोल भाई ये आजिजी है, बोल भाई देखो ये जालिम मुझे कह रहे हम कर्बला से तीर खाते हुए आ रहे हैं और ये किस तरह बैठा है, उनकी तरफ पीट कर आपकी तरफ, अब तुझे कहेगा तो शाह साहब का मूला नहीं तेरी नेचर और तेरी मजाल बीच आ जाए अपने का शाह साहब आना में तो
मुझे यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा शेर बताता हूँ जी, आप तो याद करने का शौक है, याद रखिएगा कि उंगलियाँ मेरी आज भी इस सोच में गुम है, उंगलियाँ मेरी आज भी इस सोच में गुम है किस तरह उसने नए हाथ को थामा होगा। हम चाह रहे हैं कि हैप्पी नोट के ऊपर वो बहुत, मैं जो जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए उनसे गुजारिश करूँगा कि दो दो नहीं दो दो चार चार जो लफ्ज हैं वो रीमा के बारे में आप कहें अपने दस्तर, ताकि वो ऑन रिकॉर्ड हो जाए और ये अपनी यादों में हम सबको देखकर के जाए। सबसे पहले मैं सही हिसाब से कुछ इख्तलाफ जरूर रहे हैं काम के हवाले से, लेकिन जब इख्तलाफ होता है तो बुलंदी की तरफ इंसान जाता है, तो आप बुलंदी की तरफ गएंगे माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अगर मैं बुलंदी का जिक्र करूं तो रीमा की वजह से मुझे इज्जत नहीं थी, बतौर राइटर चाहे या नहीं थी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि उसकी वजह से मुझे मिला। अरबाज यहाँ बैठा, अरबाज ना होता तो घूंघट हिट ना होती। अरे नाता जी क्या कर रहे हैं एक बार, ये आपकी तरफ से आपकी मन से ये मुझे गाते हुए मिले, मैंने कहा मेरी फिल्म में गाना गाए, इनकी वजह से मेरा म्यूजिक हिट हो गया, ये इनका रैम्बो की वजह से मेरी चोर मचाए शोर हिट हो गई। अरे शाजी रैम्बो शाजी एक बात छोड़ी शासक अर्ज करो, किताब की बात है मेरी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी कि इतना सा बीज जब आप बो देते हैं, अनार लगाते हैं, पड़ जाता है, दरख्त निकल आता है, आम निकल आते हैं, बन जाते हैं। 6 फीट का आप आदमी दफन करते हैं उस जमीन में से कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब है कि आदमी की जो रूह है ना वो है तो वो आदमी है, रूह से रूहानियत है और रूहानियत से कनेक्शन है। तो अल्लाह तआला ने हमारे जिस्म में जो रूह दी हुई है यही यही जो आवाज आपको आ रही है, आपको सुनाई दे रही है और मैं बोल रहा हूँ ये रूह है, ये रابطہ है। तो हमारा रابطہ जिंदगी तक ही है ना, तो उस रابطے को खराब क्यों करें। अरे बोलते रहो यार, कभी ऐसा ना हो एक दूसरे के पास खड़े हुए बोलने गया तू बोलता भी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं दीवारों से टक्करे मारते हुए। ऐसा ना करें, नाराज कभी ना जाए, महफिल से भी उठे तो खुदा हाफिज खुश इकरार के मोहब्बत से, ताकि एक दूसरे की अच्छी बातें लेके जाएं। पता नहीं हम में कौन कब कहाँ किस जगह पर क्या हो जाए, जो मुल्क के हालात हैं यहाँ पे तो मतलब यानी कि कराची में तो अवर्णा सब घर में खुद ही बम बनाने लगे वापस में, क्या आपने क्या बनाया बहन, आज मैंने 12 बम बनाए। अल्लाह ऐसे हालात में अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। हाँ उसी तरह हो गया सहन से पूछ रही भाई जी क्या बनाया बहन, 11 बम बना ली तुम्हारे भाई 12 के गए। तो अब ये है कि मैं तो रीमा आपको ही कहूँगा, आप भी शाह साहब, आप भी सहन जी, आप भी, आप लोग बड़े लोग हैं, आप ऐसी इज्जतें मिल जाती है उसकी कोई वजह होती है, हमने पता नहीं उस वजह को समझ लिया। हमारा टैलेंट है, हमारा टैलेंट नहीं है। आज दिलीप कुमार वही है, सुनाई नहीं दे रहा उनको, समाज में नहीं आ रहा, वही नाक है, वही आंख है, वही कान है, वही सब कुछ है, भूल गए हैं उसी आवाज में बोल रहे हैं, भूल गए क्या है वक्त हुआ है वही आवाज, लेकिन दिलीप कुमार भूल गया कि मैं कभी एक्टर था। आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।